मायावती जी का 63वां जन्मदिन सपा बसपा ने मिलकर मनाया। जनपद मेनपुरी में बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी गठबंधन ने डीआर मैरिज होम दीवानी रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का 63वां जन्मदिन मिलकर धूमधाम से मनाया, जिसमें मेनपुरी के सपा सांसद श्री तेज प्रताप यादव ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, गठबंधन कितना कामयाब होगा या नहीं होगा, जिस दिन गठबंधन हुआ उसके बाद से जो बयान लगाता बीजेपी नेताओं के आ गए, कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी और डर उनके अंदर है, साफ साफ उनके चेहरे पर उनकी बातें झलक रहा है। और दिल्ली में जिस दिन से गठबंधन की चर्चा हुई है, जितने भी सांसद बीजेपी के हैं सब इस प्रयास में हैं कि कैसे सपा बसपा में शामिल हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि बिना इस गठबंधन के कोई जीतना नहीं, गठबंधन पूरी तरह सफल होगा। और जो लोग इस बात के प्रयास लगा रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, उन प्रयासों पर भी विराम लगा। आज देश के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। जो लोग बाबा साहब का नाम लेने में थकते नहीं हैं, हर वाक्य में बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो ठीक विपरीत कार्य करते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, भाजपा के लोग हिंसा के पुजारी हैं। चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह के दंगे करा सकते हैं। बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने का कार्य भाजपा लगातार कर रही है। हमें बचना है, एकजुट रहना है। उनकी अफवाहों से बच गए तो निश्चित रूप से चुनावों में अच्छी जीत मिलेगी। सदर मेनपुरी विधायक ने अपने विचार व्यक्त किए और बहन जी मायावती को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। बसपा के मुख्य अतिथि पूर्व MLC श्री प्रताप सिंह बघेल ने कहा, हम अपनी नेता सुश्री मायावती का जन्मदिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जोर शोर से मना रहे हैं। ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपने का कार्य किया। उस दिन भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही कि देश को चलाने वाले लोगों की नियत अगर साफ होगी तो ये देश प्रदेश गली कूचा मेरे द्वारा मेरी मेहनत के अनुसार बनाए हुए संविधान से चलेगा। अगर उनकी नियत में खोट होगा तो संविधान ताक पर रखा रहेगा।